जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में सेना और प्रशासन ने कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर को दिल्ली से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हरी झंडी मिल चुकी है। अब आतंकियों का सफाया तय है, अब आतंकियों का समूल नाश तय है। अब जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है वो 72 घोड़ों के पास जाएंगे। अब आतंकी जो टारगेटेड किलिंग के नाम पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, अब उनका ठिकाना केवल और केवल जहन्नम में होगा। दोस्तों, सेना ने बड़ी तैयारी कर ली है और इसके लिए अतिरिक्त सैनिकों की भी तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ उन तमाम जिहादियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है जो लगातार सैनिकों को भड़काने और खास करके वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। चाहे वो मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो और तमाम वो सेपरेटिस्ट जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के रहनुमा कह रहे थे, लेकिन अब सेना का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। इस बीच राज्यपाल, उपराज्यपाल, कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। अगले एक साल के अंदर जो सफाई अभियान होने जा रहा है उसे पूरी तरीके से अब सफाया और कोई रोक नहीं सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है जहां पे 35,000 करोड़ का निवेश जो इसी दिसंबर में होने जा रहा है। तो दोस्तों, दो खबरें जानना बेहद जरूरी है, किस तरीके से सैनिकों की तैनाती, अतिरिक्त तैनाती जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, दूसरी तरफ उन लोगों का जो जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काते थे उन लोगों को नजरबंद किया जा रहा है, और तीसरी तरफ कैसे निवेश लाया जा रहा है। इन तीन खबरों से आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर जो है विकास के पथ पर बढ़ रहा है और आतंकियों का नामो निशान मिटने वाला है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले याद होगा कि पहले टारगेटेड किलिंग हुई, पहले कश्मीरी पंडितों समेत वहां के स्थानीय लोगों को मारा गया, हिंदू और सिखों को निशाना बनाया गया। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का दौरा, गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, खास करके सीमाई इलाकों का भी दौरा किया, सैनिकों को खुली छूट दी, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। इसके साथ बीएसएफ जवानों को खुली छूट मिली, 50 किलोमीटर तक जितने भी सीमाई इलाके हैं 50 किलोमीटर तक आप किसी को भी देखते ही गिरफ्तार कर सकते हैं। एक ताकत जो है सेना को वो केंद्र सरकार ने खुली छूट देकर दे दी है। इसके साथ ही अब जो टारगेटेड किलिंग हो रही थी इसको लेकर दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हाई लेवल मीटिंग हुई, और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से आतंकियों का समूल नाश होने की बारी है। इसको देखते ही सुरक्षा बलों की तैनाती, अतिरिक्त तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जाने लगी। इसको देखते हुए कई बटालियन, कई टुकड़ियों को, अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा जाने लगा। कभी 5,500 अतिरिक्त सैनिकों की भेजा गया तो कभी पूरी तरीके से 5,000 सैनिकों को अतिरिक्त भेजा गया। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती बढ़ाई जाने लगी, यानी एक स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले जब आतंकियों ने तांडव मचाया, फिर जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, फिर हाई लेवल मीटिंग के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। अब इन सब के बाद उपराज्यपाल का बड़ा बयान और इसके साथ महबूबा मुफ्ती का अब नज़रबंद होना। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों के सवाल कामों पर सवाल उठा रही थी। अभी दो दिन पहले ही 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, और कल जो बड़ी खबर आई आपको बता दें, अभी हाल ही में कल रात में टीआरएफ के 5 आतंकियों को 1 घंटे के अंदर ढेर कर दिया गया। इस खबर को हमने आपको बताया भी था, सुबह वाली खबर में कवर किया था कि कैसे 1 घंटे के अंदर टीआरएफ के, दरअसल कुलगाम ज़िले में 5 आतंकियों को कल ढेर कर दिया गया और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। इसके साथ ही बुधवार को अगर बात करें तो बुधवार शाम को पुलिस ने 43 लाख रुपए के साथ जम्मू के सिंघड़ा पुलिस से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच टीआरएफ के मारे गए जो आतंकी हैं वो कमांडर बताए जा रहे हैं टीआरएफ के, और 5 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है कल ही। और आज जो बड़ी खबर निकल के आई वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरीके से आतंक का सफाई की तैयारी हो चुकी है। उपराज्यपाल ने जो दावा किया है वो ये कहा है कि अगले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आतंकवाद का नामो निशान नहीं रहेगा। महबूबा मुफ्ती को भी नज़रबंद किया गया है। दरअसल उपराज्यपाल ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब स्थितियाँ काफ़ी बदल रही हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद
कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भारत सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। आपको बता दें कि घाटी में आतंकियों के सफाये को लेकर सुरक्षा बल लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक नज़रबंद कर दिया गया है। आपको बता दें हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोई नहीं जानता कि घाटी में आतंकियों को मारा भी जा रहा है या फिर नहीं। मुफ्ती ने दावा किया था कि बीते सोमवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आम नागरिकों को मार दिया था। उन्होंने कहा था कि सेना उग्रवाद के नाम पर आम लोगों को अपना निशाना बना रही है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती कई मौके पर जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में बीते T20 विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों भारत को मिली हार के कथित रूप से जश्न मनाने वाले कश्मीरियों का भी समर्थन किया था। मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मना तो इतना गुस्सा क्यों है। ऐसे में मुफ्ती की नज़रबंदी को मनोज सिन्हा के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कुछ लोग घाटी में माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं और वो कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि महबूबा फारूक जैसे लोग थे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला दोस्तों कुछ दिनों से शांत हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है इसलिए फारूक अब्दुल्ला शांत हैं। इसी बीच आपको बता दें आतंकियों को सफाई के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ रही है और आतंकियों पर सेना जो है वो काल बनकर टूट रही। ये तो हुआ आतंकियों के सफाई का प्लान। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की खुशहाली विकास की बात। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हालात कुछ ऐसे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे जो है वो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी दिसंबर में आने वाला है। दरअसल कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि कैसे दुबई जो है वो जम्मू कश्मीर में कई बड़े कहीं ना कहीं तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जिसमें वो कई चीज़ें डेवलप करेगा। और इसी को लेकर अब इस पे मुहर लगने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले सफाई अभियान जो है ज़रूरी है। आतंकियों का सफाई अभियान रहेगा तभी जितनी आतंकियों का सफाया होगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर शांति होगी। यही कारण है कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती लगा करके जम्मू कश्मीर में जो है वो सफाई अभियान शुरू हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा उन आतंकियों के कहीं ना कहीं तरीके से और तिल मिलाएंगे जो ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित ना हो। यही कारण है कि सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि जब वो बिलबिलाएँ तो उनको उनकी सही स्थान पर पहुँचा दिया जाए और सुरक्षा बल इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद भी हैं। लेकिन दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं और ख़ास करके जो जम्मू कश्मीर में सवाल महबूबा मुफ्ती उठा रही है, पाकिस्तान परस्ती की बात कर रही हैं, पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रही हैं, ये कितना सही है? जबकि सरकार ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे, चीन पाकिस्तान से कतई बात नहीं करेंगे। कौन होता है चीन पाकिस्तान जो हम उससे बात करें? दोस्तों जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सेना का एक्शन है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल